पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम किसे सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। अब सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि जब सेल स्टार्वेशन में जाता है, ठीक ना, या कोई उसमें इंजरी हो जाती है सेल में, तो उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका डेथ, सेल का डेथ कौन कराता है? लाइसोसोम ही कराता है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक ना। इसमें हाइड्रोलिटिक क्या सुसाइडल बैग बोलते हैं ना। या फैगोसिटिक बोलते हैं, फैगोसिटिक, फैगोसिटिक क्रिया को करता है ना, फैगोसिटिक एक्शन करता है। हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें, ठीक ना। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का क्या मतलब है? कि ये डाइजेस्ट कर देते हैं प्रोटीन वगैरह जो भी है। सेल किससे बना है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है इसमें? एंजाइम्स होते हैं, ठीक ना। तो लाइसोजाइम क्या करता है? दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट सेल हैं, उनको अगर, उनका अगर नरिशमेंट कराना है, तो जो उतने इंपॉर्टेंट सेल नहीं है, ठीक ना, उनका क्या करा देता है ये? उन वो सेल डेथ, उनका वो सेल का डेथ हो जाता है, और उनसे जो प्रोटीन या एनर्जी है, वो जो इम्पोर्टेंट सेल हैं उनमें ट्रांसफर होते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? सुसाइड, अपने सेल का खुद का ही सुसाइड करा देता है। ये कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक में पाया जाता है, क्योंकि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड बताए थे ना, कि मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं किसमें पाए जाएंगे? यूकेरियोट्स में। तो कहाँ पाया जाएगा? यूकेरियोट्स में ही पाया जाएगा, ठीक ना। लेकिन मोस्टली और किस में पाए जाएंगे? मोस्टली आपके जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल, उसमें ज्यादा होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? ज्यादा होता है। और प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में कम होता है, ठीक ना। लिख रहे हो क्या है सब? अब लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी दुबे किया था ना। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डिस्कवर भाई क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्रिश्चियन डी दुबे, ठीक। इसका खोज किए थे। अब इसमें लगभग 40 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, 40 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। 40 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब जो यूनिसेलर है ऑर्गेनिज्म, जैसे यूनिसेलर है प्रोटिस्टा में, यूनिसेलर होते हैं ना, यूनिसेलर यूकेरियोटिक, तो उसमें वो लोग फोजन जो फूड जो इंगल्फ करते हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा है तो क्या करेगा? अमीबा यूनिसेलुलर है ना, प्रोटिस्ट है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक ना। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है।
तो ये क्या करेगा, फूड को इंगल्फ करेगा, फूड को इंगल्फ करेगा। मान लो ये फूड है तो ये सीडोपोडिया फार्म करके, जो सीडोपोडिया है उसको फार्म करके फूड को इंगल्फ करेगा, ठीक ना। क्या करेगा, फूड को इंगल्फ करेगा, अपने अंदर लेगा। जैसे ये सीडोपोडिया फार्म किया है, फिर धीरे धीरे ये सीडोपोडिया इंक्रीज होकर के ऐसा हो जाएगा और ये फूड यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको ये आपस में मिला लेगा। आपस में मिला लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा। यहाँ से ये मिल गया तो ये अंदर चला गया, ठीक। ये समझ में आ रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। और यहाँ पे मान लो लाइसोसोम है, यहाँ पे मान लो एक लाइसोसोम है, ठीक। ये लाइसोसोम है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंगल्फ किया और ये फूड है आपका, फूड को अंदर ले लिया इसने, फिर लाइसोसाइम इससे अटैच होगा, अटैच होकर के इसमें पूरा फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर के आपका फूड को, जो ये फूड है उसका डाइजेशन करा देगा। जो ये फूड है ना, तो ये फूड जो था उसका डाइजेशन करा देगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे अमीबा अपना न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक ना। न्यूट्रिशन लेकर के अमीबा का ग्रोथ होगा, ठीक। ये आप न्यूक्लियस है, ठीक ना। ये क्या था, लाइसोसोम। देखो जैसे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, कि जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट है ना, लाइक अमीबा, तो उसमें फूड का डाइजेशन भी कराता है ये लाइसोसोम। तो ऐसे फूड है, मान लो ये बाहर फूड पड़ा है, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा सीडोपोडिया फॉर्म करके ही तो फूड लेता है। ये क्या है, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक ना। यह है स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया बड़ा करेगा, बड़ा होकर के इसको फूड को इंटेक कर लेगा, इंटेक करके धीरे धीरे फिर ये आपस में चिपक जाएगा। चिपक गया तो ये फिर अलग से अंदर ही रह जाएगा, ठीक ना। तो देखो ऐसे बन बन गया एक, ठीक, इनक्लोज हो गया, इसके बॉडी के अंदर ही चला गया। फिर उससे लाइसोसोम क्या होगा, अटैच होकर के उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम फूड पे अपना मिक्स करेगा, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम से जो फूड क्या है, छोटे छोटे में वो हो जाएंगे, ब्रेक ब्रेक हो जाएंगे, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक ना। समझ में आया, रोशन। हाँ, तो ये यूकेरियोट्स में क्या कर रहा है, जो यूनिसेलुलर है या कोई सेलुलर लेवल का लूज कनेक्टिव सेलुलर लेवल के, जैसे आप जाओगे हायर क्लास में तो उसमें पॉलीफेरा वगैरह है, तो उसमें डाइजेशन भी कराता है, ये जो लाइसोसोम है डाइजेशन भी कराता है। तो इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन भी है, फूड डाइजेशन इन सेल्स, ठीक ना। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया, ये वाला हटा दें इसे। हटा देना, देखो अब पढ़ा है हमें क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, सबसे पहले इसे, इसका जो टर्म है ना, पोर्टर ने दिया था। किसने दिया था,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सब वर्ड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड वाज गिवन बाय पोर्टर ना पोर्टर कब दिए थे भाई बताओ 1853 1853 में ना हाँ तो इसका यह है ना क्या होता है जो हाँ 1853 होगा ना क्या तुम पढ़े हो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है प्रेजेंट होता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या होता है कि जो ये सेल है पहले आप एक सेल बनाओ ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या रहेगा जेनेटिक मटेरियल रहेगा डीएनए आरएनए जो भी है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लिक एसिड है ठीक ना से ये क्या है मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स हैं मेम्ब्रेनी है ना ये भी मेम्ब्रेनी है लेकिन ये कहाँ तक है पूरा इसको कवर किया है कहाँ से कहाँ तक आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे निकल करके जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वहां तक है ना ये क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है जो भी एंजाइम्स वगैरह है ना सेल में जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसके लिए ये सरफेस एरिया क्या करता है इंक्रीज करता है ठीक ना ये क्या करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है दिख रहा है ना yes. हाँ देखो तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है वहां तक ये फैला होता है और क्या है फोल्डेड है फोल्डेड है ना तो इसमें क्या होता है फोल्डेड है तो सरफेस एरिया बड़ा है और जो सेलुलर सेल में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उनके लिए जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उनके लिए क्या चाहिए भाई सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए ना तो वही सरफेस एरिया लोग क्या इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ना ठीक है समझ में आ रहा है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन है ना टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेलुलर मैट्रिक्स ठीक इंक्रीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल ठीक ठीक ना अभी होते हैं दो टाइप के एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक ना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ है पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईयर ठीक रफ ईयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये रफ क्यों है क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होता है सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम्स है ना जो राइबोसोम्स पड़े वो इस पे अटैच होते हैं उस पे अटैच होते हैं तो अटैच होते हैं तो उससे क्या हो जाता है
रेटिकुलम है, मान लो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उससे ये राइबोसोम्स अटैच होंगे यहाँ पे। तो जिस एरिया में अटैच होंगे, जहाँ अटैच होंगे ना, वहां इसको क्या कर देंगे, वहां क्या कर देंगे, इसे रफ बना देंगे। क्या बना देंगे? रफ बना देंगे, ठीक। और जहां नहीं अटैच होंगे वो एरिया क्या होगा, वो सरफेस एरिया क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक ना। तो जो न्यूक्लियस के पास वाला जो एरिया होता है, जो न्यूक्लियस के पास वाला एरिया होता है, वो क्या होता है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। समझ में आ रहा है ना रोशन? रोशन, काजल, हाँ। तो ये यहाँ देखो, यहाँ जो सरफेस एरिया है ना न्यूक्लियस के पास वाला, वहां पे ये राइबोसोम अटैच होंगे। अब यहाँ पे रोशन, रोशन, सुदर्शन, सुदर्शन, हेलो, कहाँ? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखो जो न्यूक्लियस के पास में है ना, वहां राइबोसोम अटैच है। अब न्यूक्लियस के पास ही क्यों राइबोसोम अटैच है, क्योंकि न्यूक्लियस में है डीएनए, उससे बन रहा है आरएनए। अब आरएनए का सिंथेसिस जो होगा ना, वो न्यूक्लियस से पहले बाहर जाएगा आरएनए, और फिर आरएनए राइबोसोम से अटैच होता है, उसके बाद ही तो उसका वो होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन बनता है। जैसे ये आरएनए है और इससे अटैच होगा राइबोसोम, ठीक, इससे अटैच होगा राइबोसोम। अब इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा आरएनए का, तो प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन, ठीक ना। हाँ सुनो, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या है अटैच, राइबोसोम अटैच है, और न्यूक्लियस के पास वाला एरिया ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे राइबोसोम का काम है, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसी एरिया में। न्यूक्लियस यहाँ से नजदीक है, न्यूक्लियस नजदीक है तो यहाँ से आरएनए आएगा, और आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो न्यूक्लियस के पास वाले एरिया वाला जो राइबोसोम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और जो इससे दूर वाला है ना, यहाँ पे होता है आपका लिपिड सिंथेसिस। क्या होता है लिपिड? लिपिड मतलब फैट, फैट, ठीक, लिपिड वसा जिसे बोलते हैं लिपिड सिंथेसिस। नहीं, रफ में क्या प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, रफ में आपका राइबोसोम है ना अटैच, ये रफ वाला एरिया है, इतना इधर जो है न्यूक्लियस के पास वाला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एरिया है, तो इसमें राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम अटैच है तो इससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा ना, और इससे इसमें क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा, इतने में ना, इतने में आपका लिपिड सिंथेसिस होगा, क्योंकि हाँ, इसमें लिपिड के वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं सिंथेसिस करने के लिए, इसीलिए ये क्या होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से दूर होता है, उसमें क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो ठीक है। अब आज जो पढ़ाए हैं उसे पढ़ना, फिर क्लास जो कल लगेगी उसमें जो डाउट होगा पूछना आप लोग ना।